आगरा आकर मम्मी को रोना पड़ा और क्या मुझे अवार्ड मिल पाएगा? तो ट्रॉफी देकर हम सम्मानित करेंगे। सो देयर इज अ स्पेशल प्राइज, स्पेशल सेलिब्रिटी ऑफ द ईयर। पाँच बजे से कौन चाय पीता था? खाना 5 बजे से चल रहा था। निब्बू तो सुबह उठ के भी सुंदर है, पापा के जैसी दिख रही है। चलो अभी हमें ना ब्रश करके आते हैं। जा रही हूँ मैं, मम्मी सुबह ही ब्रश करके बैठ गई। मेरे को भी पेस्ट लगा के दो पापा। अब हिलते हिलते ब्रश करना पड़ेगा। हाँ ना, अभी हिलते हिलते ब्रश करना पड़ेगा, इतनी देर ट्रेन रुकी हुई थी। आगे हम लोग ब्रश करके बाहर है ना, बहुत ज्यादा ठंड है ना। चाय वाय पीते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग आगरा पहुँच जाएंगे। कितना टाइम लगेगा? अभी 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। मैं तो ऐसे पूछ रही हूँ जैसे ट्रेन पप्पा चला रहे। पप्पा ही चला रहे, बार बार धक्का लग रहा, स्लो हो रही। मजे ले रहे तुम मेरी तो। और ऐसे रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हमारी गाड़ी बंद भी होती है रास्ते में। तो ये ट्रेन भी तो बंद हो रही है बीच बीच में। क्या क्या खाने का? आलू पराठा। हाँ सैंडविच दे दो एक, समोसा दे दो एक। समोसा तो नहीं लिया पापा ने। समोसा प्लेट, ब्रेड कटलेट, ये ब्रेड। ये देखो ये रहा हमारा नाश्ता, समोसा सैंडविच, ये ब्रेड कटलेट है इसमें और चाय। मेरे को भी समोसा खिलाओ पापा, समोसा ही अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं ना अपना थोड़ा सा टचअप करने वाली हूँ। मम्मी को ये रहा कॉम्पैक्ट पाउडर जो बिल्कुल अभी खत्म होने वाला है, मेरे को नया लेके दो अभी। क्या होने वाला है वो? अरे जल्दी ऐसे चल सकते मैं ले लूंगा रेंट। चलो वहां से। देखो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं आगरा। सारे बैग्स वगैरह ले लो, चलो बाहर चलते हैं हम लोग। और बताना कि आगरा से कौन कौन मेरे ब्लॉग्स देखता है। आगरा तो हम पहुंच गए हैं, बट इतने शॉर्ट टाइम में हम आगरा आए हैं, क्या मुझे अवार्ड मिलेगा? तो आज हम डे टाइम में क्या करेंगे दिन भर? यार देखो मैंने अपनी नई सैंडल का ये टैग ही नहीं निकाला। तुरंत टूट गया, मैं कल से तोड़ रही हूँ इसको। वाह वाह वाह, क्या बात है पापा। प्लीज भगवान, जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ उसका फल भी मुझे मिले। आगे हम लोग मस्त ऑटो राइड करते करते होटल, और मैंने ना खाना भी मंगवा लिया है, बहुत भूख लग रही है। अभी मैं बस नहा के आती हूँ, फिर उसके बाद में हम खाना खाएंगे। लेकिन तेरी मम्मी है ना, गुस्सा है मेरे ऊपर। रहने दो पापा, मम्मी पापा के झगड़े हो गए। वो भी तो बता झगड़े किस वजह से हुए? उसको ये होटल में नहीं रुकना था, उसको ना वो होटल में रुकना था जहाँ से ताजमहल दिखता हो। तो मम्मी ने क्या गलत बोला? मेरे को भी वही होटल में रुकना था जहाँ से ताजमहल दिखता हो विंडो से। ओके, तेरे माँ के ससुर के होटल के सारे के जो वहाँ अपने वो मिल रहा सब। क्यों नहीं बना है? क्या पापा, हम बराबर बोल रहे हैं, हमको है ना वहाँ वहीं पे रुकना था ना मम्मी। जाने दो साइड में। ओ बेहोश हो गई क्या? जाओ यार पापा, गर्म पानी आ रहा है। मतलब अभी मैं बता रहा, मतलब इसको है ना होटल के खिड़की में से इसको ताजमहल देखने का है। हम ताजमहल के सिटी में आए, इधर इधर दिख तू, हम ताजमहल के सिटी में आए, इसको है ना एक्चुअल में जाके ताजमहल नहीं देखना है, इसको होटल के खिड़की में से ताजमहल का व्यू चाहिए। चरण का है, चरण का है तेरे? जाओ मेरे को देखने का है वहां से। मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा है कि वो सब ऐसे बैठ के बोल 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 बैठ के उनके टेरेस पे से ताजमहल दिखता है, मुझे वैसे देखना है। तू मतलब बिना ताजमहल को छू के नहीं देखने गए थे, टेरेस पे से ताजमहल देखने का है।
इसी के लिए आई थी आपके साथ, और आपने यहाँ के ये कोने में यहाँ से रूम दिलवा दी। ये देखो ये बाहर का ये व्यू है। अरे नीचे मत दिखा। नहीं नहीं दिखाने दो ना, ये देखो ये भाजी मंडी है यहाँ पे नीचे, कहाँ हम ताजमहल के सपने देख रहे थे और कहाँ पापा ने ये भाजी मंडी पे ला के रख दिया हमको। आने दो मम्मी रूम में, ऐसी अभी मैं कभी नहीं आऊंगी आगरा। मैं भी नहीं आऊंगी। मेरे को कहाँ रुकने का था, आपने कहाँ रुका दिया यहाँ पे हमको। अरे वो अर्जेंटली बुक हुआ, आज संडे है तो मतलब बुकिंग फुल है सब होटल की, नहीं तो मैं कराता था वो ताज व्यू वाला होटल। रो मत, आप जाने दो हमको, है ना, मतलब ऐसे चाहिए था जहाँ विंडो से ताजमहल दिखे। कभी नहीं सुनते पापा हमारी, ये होटल में ला के रुका दिया जहाँ भाजी मंडी दिख रही है पीछे। हंसो मत पापा। मिल गई आपको शांति यहाँ पे लाके, इतना सब बकरियां कूटने के लिए भी बड़ी जगह होती। क्या कूटने के लिए? बकरियां बांधने के लिए भी इसी बड़ी जगह रहती। हाँ भी दूसरा होटल में जाने का है, यहाँ पे लाके रख दिया, अभी खुश हो रहे होंगे। यहाँ पे एक इंसान अच्छे से नहीं सो सकता। मैं नीचे सोऊंगा, वो उधर उधर। तो लाते क्यों फिर होटल में, घर पे रुका देते थे हमको। कहीं तुम्हारी वेज बिरयानी यहाँ से तो नहीं आई? कहाँ से? इधर आओ देख। कहाँ से? वो उधर वो शिवानी। इसलिए मैं है ना प्रेफर करता कि हम है ना रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना, कभी भी होटल में रूम सर्विस में खाना ऑर्डर करना नहीं। A few moments later. ये आए आगरा अपने होटल के खिड़की में से, इनको ताजमहल देखना था लेकिन ये ताजमहल नहीं देखना जाना चाहते, ये ऐसे देखेंगे होटल में आएंगे नींद लेंगे और इनको ताजमहल देखने का है खिड़की में से। शाबाश सो जाओ। अब बताओ ये घूमने लायक है क्या, कहीं घूमने ले जाने लायक है क्या दोनों ये? उठ उठ जल्दी, ए उठ रहे क्या? चल 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 उठ उठ, ए उठ, चलो मेरे को जाने का ताजमहल देखने, चलो उठो। जाते दरवाजा लगा के जाओ, मतलब मैं अकेले जाऊँ। ये इनको बोलते हैं टूरिस्ट, ये ऐसे आते घूमने के लिए, इतना एक्साइटमेंट में ही आते घूमने के, चलो हम जा रहे घूमने जा रहे हैं कहीं घूमेंगे, ये ऐसे घूमते ही आके बस यहाँ ऐसा आराम करते हैं, ये इसको घूमना बोलते हैं, ये टूरिस्ट ही है, आलसी टूरिस्ट कहीं के। हम हमारे काम से आए। क्या काम से आ रही है, ऐसा बस पड़े रहने के लिए आए यहाँ पे? देखो फाइनली पापा ने ना मम्मी और मुझे उठा ही दिया और पापा हमको लेकर ही जा रहे हैं ताजमहल दिखाने, और मैं रेडी भी हो गई हूँ अभी। अब ठीक है ठीक है, सबसे ज्यादा एंजॉय पापा ही करने वाले हैं ताजमहल देख के। तो हमको ऑटो मिल गई है, अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे ताजमहल। देखो हम आ गए ताजमहल, यहाँ से हमको ना 1 किलोमीटर पैदल चल के जाना है। देखो अभी हम लोग है ना ये वाले ऑटो में बैठने वाले हैं, मुझे लगा ही था कि पापा हमको चलने नहीं देंगे, अभी पापा हमको ऑटो में लेके जाएंगे। तो देखो ऐसे है ना गाड़ियों में बैठ के जाना होता है 1 किलोमीटर तक। सेलिब्रेशन एंड अवार्ड फंक्शन तो शाम को है, तब तक हम ताजमहल घूम लेते हैं। देखो गाइस टिकट काउंटर जो है वो इधर की साइड है, बट मैं बोलूंगी कि आप है ना ऑनलाइन बुक कर ही इधर आना, यहाँ पर टिकट वगैरह मत पढ़ना, ऑनलाइन बुक है ना बेस्ट ऑप्शन रहता है। ये देखो यहाँ से आपको एंट्री करनी है अंदर। देखो 1862 में ना ताजमहल ऐसा था, अभी भी वैसे ही है, लेकिन मैं बता रही हूँ आप सबको। देखो हम लोग आ गए हैं ताजमहल, वहाँ से अंदर एंटर करना है हमें। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बंदरों को देखकर उनके पास ना जाए, बंदरों की आंखों में आंखें मिलाने से बचे, बंदरों को छेड़े नहीं, उन्हें डराने की कोशिश करें, है कोशिश
ना करे ना करे ना, ये नहीं देखा बंदरों की फोटो ना ले और ना उनके पास रुके, बंदरों को कुछ भी खाद्य पदार्थ न दे। ये ज्यादा फेवरेट है, ये ज्यादा फेवरेट। हम लोग आंध्रा में रहते, आपकी डेली देखती स्कूल से आना बस तो यहाँ से ना ये गेट से ताजमहल बहुत नजदीक दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही हम एंटर करेंगे ना ताजमहल बहुत दूर होगा। अभी आप देखना करता है ना, वैसे वैसे ताजमहल दूर दिखाई देता है। फील हुआ ना आप सबको भी? यार देखो ना कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ताजमहल, है ना, दूर से कितना मस्त दिखाई देता है। कैसे लग रहा है पप्पा? अच्छा लग रहा है, जाके देखेंगे ना, पास में जाके छूके भी देखेंगे। यस चलो थोड़ा पास चलते हैं। तेरे मम्मी को बोलना ऐसे पकड़ के ऐसे करके फोटो खिंचाने का ताजमहल के साथ में। अच्छा, वो आइकॉनिक, ये देखो ये आइकॉनिक पोज। हाँ आइकॉनिक पोज करने के बोलना तेरे मम्मी को। मम्मी ऐसे आइकॉनिक पोज करते कैसे फोटो खिंचाने का? ताजमहल को, ए मैंने पकड़ लिया ताजमहल को, देखो ठीक है। हाँ करो, मेरे को अगर पहले मालूम होता कि भाई तू है ना ऐसे करने वाली तो मैं तेरे से शादी नहीं करता। चलो तो अभी आपने ही आईडिया दिया। मैंने कोई आईडिया नहीं दिया। थोड़ा इधर ऊपर, हाथ ऊपर और ऊपर। हां ना मेरे साथ पकड़ने के लिए। मैं वो सब ऐसा नहीं करता। ताजमहल ने पकड़ना, मैं नहीं पकड़ता। ये पापा कुछ भी बोलते हैं, ऐसे फोटो निकालना ये रिवाज है यहाँ का। हाँ ताजमहल का रिवाज है कि अगर आप आते हो, ये देखो यहाँ पर कितने सारे ऐसे पोज हैं। मतलब यहाँ पर अगर आप आते हो तो आपको ऐसे पोज करना ही होगा, समझे गाइस? ये देखो मैं भी करती हूँ। चलो अभी हम वहाँ पे ना ऊपर जाएंगे। पानी पड़ती है ना? क्या ही पानी में गिरेंगे देखने दो। कुछ भी पापा मेरे से ना मराठी में भी बात करते हैं। हमको है ना उधर फ्रंट साइड पे जाना है। चलो कितना मस्त लग रहा ताजमहल मेरे पीछे। नहीं दिख रहा ताजमहल, रहने दो पापा। आओ इधर खड़े रहो आप दोनों, कुछ अच्छे पोज करो, हंसो पापा। ये देखो ऐसे आ रहा है ताजमहल पीछे। हाँ चल ठीक है, शाबाश चलो। सबर इतने झगड़े करने के बाद इतना ऐसे अच्छे पोज दे रहे। कोई बोल सकता है कि इनका सुबह झगड़ा हुआ था? मेरे मतलब अभी 2 घंटे पहले और झगड़े चल रहे थे। तो पापा ने इतने अच्छे अच्छे फोटो यहाँ पे मम्मी के साथ खिंचाए, लेकिन पापा ने कौन सा फोटो पोस्ट करना चाहा बताओ? देखो आप सब लोग भी अजीब है हमारे पापा। थैंक यू, तो मुझे यहाँ पे ना अपने बहुत सारे फैंस मिले। हाय मैं आपकी बहुत वीडियो लाइक करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है देखते हुए। थैंक यू सो मच। ये देखो मैं किससे बात कर रही हूँ, पूदी से। पूइन का और या कैसे हो? अभी मैं वो सोफे पर सो रही थी इसीलिए ऐसी अजीब सी दिख रही हूँ। हाँ और इनको मैं ताजमहल दिखा रही हूँ, मैंने इनको प्रॉमिस किया था कि मैं इनको ताजमहल दिखाऊंगी वीडियो कॉल से। ये देखो का व्यू। अभी हम यहाँ से सीधे चल के जाएंगे, वहाँ से ऊपर जाना है हमें। अकेले घूम रहे क्या? चल देखते क्या देख रहे हैं।
देख रहा मैं मार्बल वार्बल देख रहा मैं मार्बल देख रहे पापा यहाँ पे मार्बल है। हाँ। और ये मार्बल किसने बनाया है उसका नाम भी लिखा वाला है यहाँ पे सोनाक्षी ने बनाया वाला ये मार्बल सोनाक्षी नहीं सोनाक्षी के क्या बोलते फंटरू ने बनाया वो फंटरू ने बनाया मार्बल यहाँ पे भी लोग अपने नाम लिखते हैं देखो बेकार लोग देखो आप सब लोग पूछते हो ना इतनी सी बैग में क्या बैठता है ये देखो इतनी सी बैग में मेकअप का सामान बैठता है पूरा पिटारा लेके आई यस हम पूरा पिटारा लेकर चलते सुनो ना क्या बोलते शाहजहान ने ना मुमताज के लिए ये ताजमहल बनाया और उसके ऊपर आके ना कोई भी एक सोनाक्षी के ताजमहल जो है वो यमुना नदी के एकदम बाजू में बना हुआ है और ये देखो इधर की साइड है यमुना नदी और इधर है ताजमहल देखो इधर से उड़ के जो पक्षी गए ना मैं उनको वापस आवाज देती हूँ वो आएंगे फिर इधर वापस आ जाओ ना प्लीज पक्षी हो प्लीज वो देखो वो सारे झाड़ पे जाके बैठ गए देखो अभी है ना शाम हो गई है और हम लोग यहाँ पे ताजमहल के यहाँ बैठे इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे है ना मम्मी हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है देखो गाइस शाम को ताजमहल ऐसे दिखता है अभी है ना अंधेरा होने वाला है अभी भी कितना मस्त लग रहा है ताजमहल यहाँ पे देखो ना कितने सारे शॉप्स है शॉपिंग करने के लिए और खाने के लिए भी शॉप खड़ी थी हाय हमको है ना चाय पीनी है शाम का टाइम हो गया चाय नहीं पियेंगे तो कैसे चलेगा इसलिए अभी हम यहाँ पे चाय पियेंगे ये देखो ये रही हमारी चाय चाय पीते यार बहुत सिर दर्द हो रहा है अभी सारी वीडियोस देखते हो तुम हाँ, सारी कौन सा पसंद आता है सॉरी ये एक बार तो मार्केट मॉल में गई थी एक साइकिल दी थी रक्षाबंधन पे अच्छा साइकिल हाँ, ओके सभी देखता है ना सभी देखता है सब याद है उसको थैंक यू ऐसे करो ये देखो मम्मी ने कितना मस्त लिया है हे हे ये क्या था सनी देओल ने क्या देता हाँ 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 गतर में वाह ये वही है मम्मी वही लेके आई है हे हे हाँ हे हे हाँ ताज महल तो घूम लिया अब नेक्स्ट वीडियो में ही आपको पता चलेगा कि फंक्शन में क्या हुआ एंड क्या मुझे अवार्ड मिल गया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो